नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम सूर्य के श्रेष्ठ फल कब मिलते हैं इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। यानी आपकी किसी भी लग्न की कुंडली क्यों ना हो, सूर्य यदि किसी भी भाव में आपके बैठे हुए हैं तब आप किस प्रकार से जान पाएंगे कि आपकी कुंडली में बैठा हुआ सूर्य आपको शुभ रिजल्ट दे रहा है अथवा नहीं दे रहा है। इन्हीं बातों को लेकर आज का कार्यक्रम किया जा रहा है, तो कृपया कार्यक्रम को पूरा देखें, क्योंकि एक बात के आधार पर आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि सूर्य अच्छा फल दे रहा है अथवा नहीं। ठीक है, तो सारी बातों को सुनना होगा, इसके पश्चात ही आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य शुभ फलदायक हैं अथवा नहीं। यदि किसी भी कारणवश आपको सूर्य के अच्छे रिजल्ट ना मिल रहे हों तो उसके लिए हम उपायों पर भी विचार करेंगे, तो कृपया कार्यक्रम पूरा अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह शुभ फलदायक होंगे अथवा नहीं, या अच्छा प्रभाव दिखा पाएंगे या नहीं, इसके लिए सबसे पहले आपको विचार करना होगा लग्न पर। आपको देखना होगा कि कुंडली के प्रथम भाव में राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ है। यदि यहाँ पर राशि जो है मेष लग्न हो, या फिर कर्क लग्न की राशि लिखी हो यानी 4 नंबर लिखा हो, सिंह लग्न यानी 5 नंबर लिखा हो, वृश्चिक राशि हो यानी 8 नंबर लिखा हो, पहले घर में 9 नंबर लिखा हो यानी धनु राशि, या फिर 12 नंबर लिखा हो यानी मीन राशि हो, तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कारक ग्रह हैं, क्योंकि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन लग्नों में सूर्य ग्रह कारक माने जाते हैं। ये पहला बिंदु हुआ। मित्रों, ध्यान रखें, सूर्य ग्रह यदि वृषभ लग्न में बैठे हुए हों, या फिर मिथुन लग्न में हों, या कन्या लग्न में हों, या फिर तुला लग्न में हों, या मकर लग्न अथवा कुंभ लग्न, तो इन लग्नों में सूर्य ग्रह कारक नहीं होते, यानी कारक ग्रह नहीं माने जाते। हालांकि एक बिंदु हुआ, आपको ये भी देखना होगा सूर्य जिस भाव में बैठे हुए हैं वहां पर राशि का अंक कौन सा लिखा हुआ है। यदि ये मित्र क्षेत्री या फिर स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं, या फिर उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो फिर ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं दिखाते, मध्यम प्रकार का प्रभाव ये दिखाएंगे। हालांकि इनके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मित्र राशि में और उच्च राशि में यदि ये बैठे हुए हैं तब, लेकिन लग्न अपने आप में मायने रखती है, तो लग्न पर भी हमें विचार करना होगा। मित्रों, दूसरे नंबर पर आपको राशि का विचार करना होगा। आपको ये देखना होगा कि सूर्य ग्रह यदि किसी भाव में बैठे हुए हैं तो वह किन राशियों में बैठे हुए हैं। मान लीजिए कि सूर्य ग्रह कुंडली के 10वें भाव में बैठे हुए हैं। ठीक है, पहले नंबर पर आपको लग्न देखना है, दूसरे नंबर पर आपको राशि देखना है। मान लीजिए 10वें भाव में बैठे हैं, सूर्य ग्रह यदि चंद्र की राशि यानी कर्क राशि में बैठे हुए हैं, या फिर मंगल ग्रह की राशि यानी 1 नंबर या 8 नंबर में बैठे हुए हैं, या फिर गुरु ग्रह की राशि 9 नंबर या फिर 12 नंबर में बैठे हुए हैं, या फिर खुद की राशि यानी सिंह राशि में बैठे हुए हैं, यानी ये अंक यदि 10वें भाव में लिखे हैं और वहाँ पर सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं, या किसी भी भाव में सूर्य ग्रह बैठे हैं वहाँ पर ये अंक यदि लिखे हुए हैं, तो समझ लीजिए कि सूर्य ग्रह के आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य सिंह राशि में अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ है, और कर्क राशि और मंगल, और इसके अलावा आपका मेष राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मीन राशि, ये मंगल और क्रमशः गुरु की राशियाँ होती हैं, तो इनमें सूर्य ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं। यानी पहले नंबर पर लग्न का विचार, दूसरे नंबर पर राशि का विचार करना है। यदि सूर्य किसी भी भाव में बैठे हैं वहां पर राशि का अंक 2 लिखा मिले, या 7 लिखा मिले, या फिर 10 लिखा मिले, या 11 लिखा मिले, तो इसका मतलब यह है कि सूर्य शत्रु राशि में बैठे हुए हैं और अच्छा रिजल्ट नहीं देखें। वैसे भी तुला राशि में सूर्य जो है वो नीच राशि के माने जाते हैं, अधिकतम 10 डिग्री तक। अब दूसरे नंबर की बात करें तो वृषभ राशि, हालांकि वृषभ राशि में वो नीच के नहीं होते, लेकिन क्योंकि सूर्य शुक्र को और शनि को अपना शत्रु मानते हैं, इस कारण इनसे हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि मकर लग्न और सॉरी मकर राशि या फिर कुंभ राशि में भी यदि सूर्य बैठते हैं तो यहाँ पर भी ये ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देते। हालांकि जब हम कुंडली विश्लेषण करते हैं तो उस दौरान हमें देखना होता है कि सुबक ग्रहों का प्रभाव ऐसे सूर्य पर पड़ रहा है अथवा नहीं। मित्रों, सूर्य ग्रह कुंडली के प्रथम घर में यानी फर्स्ट हाउस में, इसके अलावा कुंडली के 5वें भाव में, कुंडली के 9वें भाव में भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। फिर से सुनिए, सूर्य ग्रह कुंडली के लग्न भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में भाव कारक ग्रह माने जाते हैं, तो इन घरों में यदि सूर्य ग्रह बैठे हुए हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं। हालांकि आज हम फलों पर विचार नहीं कर रहे हैं, फलों के लिए ऑलरेडी वीडियो बनाए जा चुके हैं, आप चैनल पर इन्हें देख सकते हैं। तो आज हम विचार कर रहे हैं केवल कि सूर्य ग्रह कब अच्छा रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो लग्न में, 5वें में और 9वें भाव में यदि सूर्य ग्रह बैठ जाए तो जातक को अच्छे रिजल्ट देते हैं अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। लेकिन पहले की बातों पर आपको विचार रखना होगा कि लग्न में, लग्न का विचार करना होगा, राशि का विचार करना होगा, फिर आप भाव को देखें, तो इन भावों में ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि सूर्य ग्रह 11वें भाव में बैठ जाएं, यानी कुंडली के 11वें भाव में बैठ जाएं, तो यहाँ पर सूर्य अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं और अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। इसके अलावा कुंडली के 10वें भाव में भी सूर्य ग्रह के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। यानी 10वें भाव में सूर्य हो
तो यहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा ग्यारहवें भाव में यदि सूर्य बैठे हुए हैं तो यहाँ पर भी ये अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि दसम भाव में सूर्य जो है कारक हो जाते हैं, इसके अलावा लग्न में भी ये कारक होते हैं, ठीक है, और अति विशिष्ट कारक होते हैं ग्यारहवें भाव में। तो यहाँ पर सूर्य के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको इनकी दशा या अंतरदशा के दौरान। मित्रों, सूर्य ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए हैं वहां पर आप ये देखें कि किस राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि सूर्य किसी भी भाव में यदि बैठेंगे तो उस भाव को विशेष रूप से सक्रिय करते हैं, क्योंकि अग्नि तत्वी ग्रह होते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सूर्य किसी भी भाव में बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक आपको 4 लिखा मिल जाए या फिर 8 लिखा मिल जाए या फिर 12 लिखा मिल जाए। अब क्योंकि कर्क राशि होगी 4 नंबर यानी, और 8 नंबर यानी वृश्चिक राशि, और 12 नंबर यानी मीन राशि, तो ये जल तत्वी राशियां होती हैं। यदि इनके अंदर सूर्य यदि बैठते हैं तो सूर्य की जो उग्रता रहती वह शांत रहती। मान लीजिए कि ये राशि लग्न में ही लिखी हुई है और सूर्य ग्रह यहाँ पर आकर बैठ गया, हालांकि सूर्य यहाँ पर मित्र राशि के माने जाएंगे, परंतु राशियों की प्रकृति की यदि हम बात करें तो ये जल तत्वी राशियां हैं। तो अगर मान लीजिए कि सूर्य मेष राशि में बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वो अग्नि तत्वी राशि होने के कारण जातक एक प्रकार का उग्र किस्म का भी हो सकता है, इसकी संभावना बनती है, यानी किस्म का हो सकता है। लेकिन वहीं सूर्य यदि 4 नंबर की राशि यानी कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में बैठ जाए तो क्योंकि ये जल तत्वी राशि है तो अब जातक उतना उग्र नहीं होगा जितना कि अग्नि तत्वी राशियों में होता है। मित्रों, आइए बात करते हैं सूर्य ग्रह के भाग्योदय विचार के विषय में। देखिए, सूर्य ग्रह यदि किसी भी तरीके से कुंडली के 90 भाव में बैठ जाए या 90 भाव से उनका संबंध हो जाए, 90 भाव से संबंध कब होगा कि जब वो पराक्रम भाव में बैठेंगे और वहां से अपनी सप्तम दृष्टि से वह भाग्य भाव को देख पाएंगे, या फिर ये सूर्य भाग्यश बन जाए यानी भाग्य भाव में 5 नंबर का राशि का अंक आ जाए, तो इसका मतलब है कि सूर्य भाग्यश बने हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ध्यान रखें कि सूर्य जब कभी भी भाग्यश बनते हैं या किसी जातक का भाग्योदय कराते हैं तो या तो 22वें वर्ष में भाग्योदय करा देंगे या 22 वर्ष के पश्चात जातक का भाग्योदय होता है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, सूर्य ग्रह यदि कुंडली के 6वें भाव में बैठ जाए या फिर 8वें भाव में बैठ जाए अथवा 12वें भाव में बैठ जाए तो इन घरों में सूर्य का बैठना सामान्यतः अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए सूर्य आत्मा के प्रमुख कारक हैं, पिता के प्रमुख कारक हैं और हड्डियों के भी कारक हैं, आत्मविश्वास के कारक हैं। जब कोई भी ग्रह, सूर्य क्यों ना कोई भी ग्रह जब इन भावों में बैठेंगे, विशेष रूप से सुबह ग्रह, तो वह ग्रह इन भावों को ठीक करने में अपनी ऊर्जा को व्यय कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को उस ग्रह से संबंधित तत्वों में कमी देखने को मिलती है, ठीक है, ये विशेष कारण है। हालांकि दूसरा पहलू ये भी है, हमें ये भी देखना होगा कि सूर्य मान लीजिए 6वें 8वें या 12वें भाव में बैठ ही गए हैं त्रिक भावों के अंदर, तो आप ये देखें कि राशि का अंक कौन सा है, यानी स्वयं की राशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर यदि बैठे हैं तो ज़्यादातर ये अच्छा रिजल्ट ही देंगे, बुरे प्रभाव नहीं देंगे। लेकिन यदि नीच राशि के हो जाएं और पीड़ित भी हो जाएं तो ऐसी परिस्थिति में फिर हमें इनके उपाय करने होते हैं। उपाय के लिए आप विशेष रूप से प्रति रविवार को या हो सके तो हर रोज भगवान सूर्य को जल से अर्घ दें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो सूर्यदेव मजबूत हो जाएंगे और आपको शुभ रिजल्ट देने लगेंगे। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।